सर आज भी हमारे समझौता होने के बावजूद भी हर हॉस्पिटल से हमने बात की है, हर हॉस्पिटल वालों ने एक ही बात बोली है कि हमारे से किसी के टाइप नहीं है एम्बुलेंस से, फिर भी जेलन अध्यक्ष जो जेलन पे अध्यक्ष बना रखा है वो अपनी सहमति से जोर जबरदस्ती से दलालों के थ्रू गाड़ियाँ ला रहे हैं आज भी और अपने पेशेंट उठा रहे हैं। हम रोक रहे हैं तो पुलिस वाले के सपोर्ट से, प्रशासन के सपोर्ट से हमको रोका जा रहा है कि हम पेशेंट लेंगे। आज हमने वापस गाड़ी लगाई थी, परसों के दिन भी वही मेट्रो हुआ था, पुलिस वालों को आए थे, आज भी वही मेट्रो हुआ है। बॉडी के चक्कर में हम लोगों ने वही रेट में हम गाड़ी दे रहे हैं, फिर भी दलालों के थ्रू एम्बुलेंस से जा रही है और हमने रोकने की कोशिश की। आज हमारी जीत हुई है क्योंकि हमने गाड़ी वापस रिटर्न की उनकी और हमारी एम्बुलेंस में उसी रेट में पेशेंट गया है। पहले क्या सौदा, क्या बात हुई थी आप लोगों के बीच में और क्या रहा था? हमारा सर समझौता ये हुआ था टीआई ऑफिस के अंदर बिठा के हम दोनों को समझौता कराया था मैं कि भाई जेलन वालों की एम्बुलेंस है जो जेलन में चलेगी और बाहरी जो एम्बुलेंस है, जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल है अजमेर में, 35 हॉस्पिटल है जेलन के अलावा, उनकी जो हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है वो हर हॉस्पिटल के बाहर रहेगी, उनकी एक पर्सनल यूनियन होगी और हमने अपनी यूनियन गठित कर ली है। हमारे समझौता होने के बावजूद भी हर हॉस्पिटल से हमने बात की है, हर हॉस्पिटल वालों ने एक ही बात बोली है कि हमारे से किसी के टाइप नहीं है एम्बुलेंस से, फिर भी जेलन अध्यक्ष जो जेलन पे अध्यक्ष बना रखा है वो अपनी सहमति से जोर जबरदस्ती से दलालों के थ्रू गाड़ियाँ ला रहे हैं आज भी और अपने पेशेंट उठा रहे हैं। हम रोक रहे हैं तो पुलिस वाले के सपोर्ट से, प्रशासन के सपोर्ट से हमको रोका जा रहा है कि हम पेशेंट लेंगे। आज हमने वापस गाड़ी लगाई थी, परसों के दिन भी वही मेट्रो हुआ था, पुलिस वालों को आए थे, आज भी वही मेट्रो हुआ है। बॉडी के चक्कर में हम लोगों ने वही रेट में हम गाड़ी दे रहे हैं, फिर भी दलालों के थ्रू एम्बुलेंस से जा रही है और हमने रोकने की कोशिश की। आज हमारी जीत हुई है क्योंकि हमने गाड़ी वापस रिटर्न की उनकी और हमारी एम्बुलेंस में उसी रेट में पेशेंट गया है। पहले क्या सौदा, क्या बात हुई थी आप लोगों के बीच में और क्या रहा था? हमारा सर समझौता ये हुआ था टीआई ऑफिस के अंदर बिठा के हम दोनों को समझौता कराया था मैं कि भाई जेलन वालों की एम्बुलेंस है जो जेलन में चलेगी और बाहरी जो एम्बुलेंस है, जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल है अजमेर में, 35 हॉस्पिटल है जेलन के अलावा, उनकी जो हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है वो हर हॉस्पिटल के बाहर रहेगी, उनकी एक पर्सनल यूनियन होगी और हमने अपनी यूनियन गठित कर ली है। तो आज क्या वहाँ से जेलन से आई थी? अभी चार दिन पहले, तीन दिन पहले भी एक एम्बुलेंस आई थी क्रिटिकल जो पेशेंट लेने के लिए आई थी, ठीक है, उस टाइम भी उन्होंने जोर जबरदस्ती दबाव के थ्रू पुलिस प्रशासन के थ्रू आए के SI साहब को लेके आए थे, उनके थ्रू गाड़ी एम्बुलेंस ले गए और आज भी वापस वही मेट्रो हुआ, आज भी वो आए जोर जबरदस्ती से कर रहे हैं, किसी का नाम नहीं बता रहे कि दलाल कौन है हमारा जिसने हमारी गाड़ी बुलाई है, वो केवल यही है दबाव कि हम ले जाएंगे, हमारा पेशेंट है बस।